राधा राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपके अपने चैनल रेखा की दुनिया में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर स्पेशल, गर्मी में हल्का फुल्का खाए जाने वाली मूंग दाल की खिचड़ी और आलू का चोखा बनाने की रेसिपी। वैसे तो खिचड़ी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है और ये बनता भी जल्दी है और पचता भी जल्दी है। आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी कुकर में परफेक्ट माप के साथ। तो चलिए मेरे साथ आज हम और आप मिलकर बनाते हैं मूंग दाल की खिचड़ी और आलू का चोखा। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 गिलास चावल। अभी यहाँ पर आप जो भी चावल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अभी उसी गिलास से मैंने यहाँ पर लिया है 1 गिलास मूंग की दाल। अभी दोनों चीजों को यहाँ पे अच्छे से रगड़ रगड़ के 4 से 5 बार धो लेना है और धुले हुए पानी को गमले वगैरह में डाल दीजिए। तो अभी चावल को अच्छे से धोकर छलनी में छान लेना है। फ्रेंड्स, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आज की रेसिपी जरा सा भी अच्छा लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चावल को धोकर मैंने इस तरह से छलनी में छान लिया है। अभी आलू का चोखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 आलू। आलू को छील कर धोकर इस तरह से रख लेना है। तो अभी फटाफट से यहाँ पे गैस को कर लीजिए ऑन और 2 लीटर पानी गर्म होने के लिए कुकर में रख दीजिए। देखिए यहाँ पे पानी हल्का गर्म हो गया है। अभी इसमें हमें डाल देना है दाल और धुले हुए चावल को। तो ये गया दाल और चावल। अभी इसमें डाल दीजिए चोखा के लिए आलू भी। तो ये गया अभी आलू। अभी इसमें डाल देना है 1 छोटा चम्मच यहाँ पे हल्दी का पाउडर और नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार। अभी इन सभी चीजों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अभी सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से एकदम से मिक्स हो गया है। अभी इसमें डाल देना है 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पर तेल। इस तरह से खिचड़ी में तेल डालने से जब आप कुकर का ढक्कन बंद करेंगे तो खिचड़ी उबलकर बाहर नहीं आएगा। अभी खिचड़ी में 1 उबाल आने दीजिए। तो आप देख सकते हैं खिचड़ी में उबाल आ गया है। बस यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अभी यहाँ पे कुकर का ढक्कन कर दीजिए बंद और हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगने दीजिए। जब 1 सीटी लग जाए तो गैस को कर दीजिए बंद और कुकर को आराम से होने दीजिए ठंडा। तो अभी 1 सीटी लग गया है। आप देख सकते हैं खिचड़ी का पानी बहुत ज्यादा कुकर में से नहीं निकला है। तो अभी कुकर को आराम से होने दीजिए ठंडा। जब ठंडा हो जाए तब उसका ढक्कन हमें इस तरह से खोल देना है। तो आप देख सकते हैं दाल और चावल यहाँ पे अच्छे से एकदम से कुक हो गया है और जो हमने आलू इसमें डाला था वो भी साथ साथ अच्छे से कुक हो गया है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये अच्छे से एकदम से पक गया। अभी इसे बाहर निकाल लीजिए। जितना भी आपने आलू डाला है उसे इस तरह से बाहर निकाल लीजिए। अभी खिचड़ी को एक और बस इस तरह से चला लेना है, फिर से हम इसे ढक देंगे। तो चलिए फटाफट से खिचड़ी में लगाने के लिए एक तड़का बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक तड़का पैन को गर्म कर दिया है। अभी इसमें डाल देना है 1 चम्मच तेल। बहुत ज्यादा तेल इसमें नहीं डालना है। अभी इसमें डाल देना है 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा और यहाँ पर मैं डालूंगी 5 से 6 सूखी हुई लाल मिर्च। आप लाल मिर्च की जगह पे हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। अभी जीरा को यहाँ पे अच्छे से चटक जाने दीजिए। अभी थोड़े से लाल मिर्च और जीरा को मैं इस तरह से एक प्लेट में निकाल लूंगी। अभी इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच भर के यहाँ पर देसी घी। घी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम कर सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। अभी गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर दीजिए, नहीं तो जीरा यहाँ पे जल जाएगा। अभी साथ में मैंने डाल दिया 2 तेज पत्ता। अभी सभी चीजों को मिक्स कर दीजिए। अभी हमारा खिचड़ी का तड़का बिल्कुल यहाँ पे तैयार है। तो अभी ढक्कन हटाना है और तड़का को इस तरह से खिचड़ी में डाल देना है। अभी 1 मिनट के लिए बस इसे इस तरह से ढककर छोड़ देना है और जब 1 मिनट हो जाए तब हमें ढक्कन को हटाना है और खिचड़ी को यहाँ पे अच्छे से एकदम से मिक्स कर देना है। तो अभी समर स्पेशल, बिल्कुल गर्मी में हल्का फुल्का खाना बिना लहसुन प्याज बिना कोई मसाला, और इसका तड़का भी आज हमने घी और जीरा मिर्च और तेज पत्ता से लगाया है। तो है ना, यह बहुत ज्यादा हेल्दी और खाने में सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। तो चलिए फटाफट से अभी आलू का चोखा बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो जीरा और लाल मिर्च निकाला था इसमें ऐड कर देंगे नमक यहाँ पे स्वाद के अनुसार। अभी दोनों चीजों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो देखिए मिर्च और जीरा अच्छे से यहाँ पे नमक के साथ एकदम से मैश हो गया है। अभी इसे डाल देना है उबले हुए आलू में। अभी सभी चीजों को यहाँ पे अच्छे से एकदम से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से हमें दबाते हुए आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी यहाँ पर आप एक बार नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर नमक कम लगे तो नमक ऐड कर दीजिए। तो अभी हमारा यहाँ पे आलू का चोखा भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया, इसमें धनिया वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्लेट में रखा मूंग दाल की खिचड़ी, साथ में रख दिया आलू का चोखा, दही और यहाँ पे मैंने बनाया है खीरा और प्याज का सलाद, वो भी साथ में रख देंगे। अभी इसमें रख देना है पापड़। अभी गर्मी का मौसम है तो आम तो थाली में होना ही चाहिए। और साथ में मैंने यहाँ पे रख दिया है आम की चटनी। आप चटनी की जगह पे अचार भी रख सकते हैं। तो एलो जी, हमारा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हेल्दी और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बिना लहसुन प्याज, बिना मसाले वाली मूंग दाल की खिचड़ी और आलू का चोखा बनकर बिल्कुल रेडी है। और मेरे घर में तो हर सैटरडे खिचड़ी और चोखा बनता ही बनता है और ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट भी है। तो बस इस तरह से मूंग दाल की खिचड़ी और आलू का चोखा बनाइए और कैसा बना है मुझे जरूर बताइए। और रेसिपी अच्छा लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।